पुलिस ने फर्जी आईएएस अफसर को किया गिरफ्तार। 40 से 50 जनपदों में फर्जी तरीके से फोन करके अधिकारियों पर बना चुका है अनावश्यक दबाव। मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार फर्जी अफसर के द्वारा दिनांक 30/5/2021 को मैनपुरी के भोगांव एसडीएम व तहसीलदार के सरकारी फोन पर कॉल किया गया और अपने आप को सुरेश चंद्र वरिष्ठ आईएएस पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व बताकर जनपद मैनपुरी में कितनी तहसील है और कौन कौन तहसीलदार है इस संबंध में जानकारी प्राप्त की और उनसे यह कहा कि तहसीलदार सदर करहल तहसीलदार कुराबली से कह दें कि मुझसे बात कर लें, तथा यह भी कहा कि अपने प्राइवेट फोन से मिलाकर बात करें। जब इस मामले में सुरेश चंद्र आईएएस पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व महोदय से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस प्रकार का फोन अन्य जनपदों में भी किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल करके राजस्व तहसीलदारों को एसडीएम को और सीनियर आईएएस अफसर बन करके लखनऊ से दबाव बनाना काम कराने के लिए साथ में पुलिस अधिकारी बन करके पुलिस अधिकारियों पर रोक गांठना और उनसे कार्य के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में जब यहाँ पर भोगांव से एक सी सूचना मिली कि ये तहसीलदार पर प्रेशर बना रहा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी इसमें सक्रिय हुए और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, उस आधार पर फिर ये पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। और ये फिर साथी अपराधी जो कि कई जनपदों में ये इस तरह से फ़ोन कॉल करके पुलिस अफसरों को प्रशासनिक अफसरों के नाम पर ये दबाव बनाता था काम कराने के लिए, तो इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा गया। पहले भी है सर किसी मामले में जेल गया? ये बांदा में एक बार तिदवारी थाना है वहाँ पर ये 2020 में जेल गया है और ये बेसिकली लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में प्रेशर बना के इस तरह से अवैध कृत्य करने का प्रयास करता है।